आज हम बनाएंगे एक ऑथेंटिक रेसिपी दाल बाटी चोखा। बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये बड़े ही आराम से आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बाहर से खस्ता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। इसे हम देसी घी के साथ खाते हैं तो ये एक अलग सा फ्लेवर इसका आता है। साथ में हम आलू और बैंगन का चोखा होता है उसके साथ लेंगे और अरहर की दाल होती है। तो आज इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आटा ले रही हूँ, ये 1.25 किलो आटा है। तो आटे को हम पहले से साफ कर लेंगे और इसमें हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। और यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ तेल के डाले हैं और इसे हम हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक मोयन सा आटे में आ जाए। यहाँ हमने ये ध्यान रखना है कि आटे में बहुत ज़्यादा मोयन नहीं देना है, बहुत हल्का सा रखना है, हल्का सा क्रिस्प रखने के लिए आटे को बस। और ये थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच यहाँ नमक भी ऐड किया है और इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम यहाँ पर आटा तैयार करेंगे। ये देखिए ये आटा बाइंड नहीं हो रहा है, बस मोयन हल्का सा आ गया है। तो ये जो हमने आटा गूंदना है ये पूरी जैसा हल्का सा सख्त रोटी रोटी जैसा होता है और हल्का सा उससे रोटी से सख्त रहेगा आटा। तो ये हम आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये आटा बन गया है, ये देखिए बस हमें इतना ही ऐसा ही चाहिए है। इसे मैं ढककर अलग रख देती हूँ। बाटी या लिट्टी जो भी कह लें, इसमें भरने के लिए हम यहाँ सत्तू की फिलिंग ले रहे हैं। इसे ये चना सत्तू करके मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर में आपको आराम से मिल सकता है। तो मैंने ये 150 ग्राम सत्तू ले लिया है और ये बहुत ही बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ एक बड़ा प्याज डाला है। ये लहसुन है, इसे ही मैंने बारीक काट लिया था। अदरक है और कुछ हरी मिर्चें हैं 2 से 3। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और फिर ये हरा धनिया 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मेरे पास पुराने अचार का मसाला है, आम का अचार है। तो कुछ आम के अचार और उसका तेल और मसाला ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे ज़रूर डालकर बनाएं। फिर 3-4 चम्मच मैंने तेल और 1-2 आम के ये टुकड़े डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखें कि अचार में भी नमक है तो नमक थोड़ा हल्का रखेंगे। ये गरम मसाला मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर है। ये काली कलौंजी है या प्याज के बीज भी इसे बोलते हैं। साथ ही अजवाइन डाला है मैंने और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं ये आम का जो गुदा है इसे हम अलग निकाल लेते हैं और गिटक को अलग कर लेंगे। यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस भी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे हल्का सा पानी का छींटा देते हुए मिक्स करते जाएंगे। अभी प्याज ने भी अपना पानी छोड़ना है तो धीरे धीरे करके पानी का छींटा देंगे और इसे हाथ से यूँ मिक्स करेंगे। तो ये हल्का सा मॉइस्चर सा इसमें आ जाना चाहिए, हल्का सा मॉइस्ट रहेगा मसाला ताकि ये बाटी के बाहर गिरे ना। तो बस हल्का हल्का हमें सॉफ्ट रखना है कि इसके किसे बंद करें तो डोसा एक तैयार होने लगे। तो बस ये हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो गया है। बाटी के साथ हम चोखा बना रहे हैं, उसके लिए ये मैंने एक जाली ली है और ये एक बैंगन लिया है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, मस्टर्ड ऑयल। और ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इन सबको हमने गैस में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। साथ ही 5 से 6 आलू। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले रहे हैं, वहाँ पर ये बॉयल किए हुए आलू हैं 5 से 6 जिसे मैंने हल्का सा मैश कर लिया था। और ये रोस्ट किए हुए टमाटर हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है तो मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ। और जो बैंगन है भून कर रखा हुआ था इसे मैंने ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया है तो मैं ये भी इसमें डालकर हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। और अब हम यहाँ पर ये प्याज डालेंगे। ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है जिसे काफ़ी बारीक मैंने काट कर रखा हुआ है। बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
ये सूखा धनिया पाउडर है, इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये गरम मसाला है, तो ये भी आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही दो बड़े चम्मच यहाँ हरा धनिया डाल रही हूँ। अगर आपके पास हरा लहसुन और हरा प्याज हो तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल, बहुत कच्चा जो सरसों का तेल होता है, उसे मैं यहाँ डाल रही हूँ एक बड़े चम्मच, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। बाटी चोखे के साथ अब हम यहाँ दाल बना रहे हैं। तो ये मैंने तुअर दाल ली है, जिसे हरर की दाल भी कहते हैं। ये कटोरी दाल है, इसे मैंने अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया है। फिर हम इसे 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसे कुकर में नमक और हल्दी डालकर 5 से 6 विसल लगा लेनी है, जिससे कि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। तो हम इसे आगे के प्रोसेस में तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हम दाल का तड़का तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है गैस के ऊपर, और उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने देसी घी का डाला है। घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस जरा मेल्ट होने देते हैं। तो जैसे ही घी यहाँ पर हमारा मेल्ट हो जाएगा, हम यहाँ पर अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, इसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है, तो बस ऐसा ही हमें प्याज चाहिए था। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गरम मसाला आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ, साथ ही ये धनिया पाउडर भी मैंने डाल दिया है, और ये चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी और नमक तो दाल में पहले से पड़ी हुई है, तो हम इसमें और नहीं डालेंगे। तो जैसे ये हल्का सा मसाला भुन जाए, तो इसमें जो उबाल कर हमने पहले से दाल रखी हुई थी, तो उसे हम इसमें डाल देंगे। और अब दाल को हमने एक उबाल आने तक पका लेना है। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ रखेंगे और इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें डाल दे रही हूँ, और 4-5 मिनट के लिए दाल को हम एक उबाला लगा लेंगे। तो हमारी दाल भी बनकर तैयार है। यहाँ पर हम बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस आटे को अच्छे से ज़रा सा मिक्स कर लेंगे, और अब एक छोटी हम लोई लेंगे, एक रोटी जितनी हम एक रोटी के लिए लेते हैं तकरीबन उतनी ही, और इसे हाथ से ऐसे अंगूठे से प्रेस करते हुए ऐसे हम एक कटोरी की शेप दे देंगे। और एक बड़ा चम्मच इसमें जितना आ पाए, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें फिलिंग की भर देते हैं, और यूं अंगूठे से दबाते हुए इसे हमने बंद करते जाना है। तो ये मैं चारों ओर से इस तरह से बंद कर दूंगी, जैसे हम एक परौंठी भरते हैं स्टफिंग वाली, सेम उसी तरह से। तो ये एक हमारी ये बनकर तैयार है बाटी। इसी तरह से हम अपनी बाकी बाटी भी तैयार कर लेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बाटी फटे ना, इसका मसाला बाहर नहीं आना चाहिए है। तो आप इसे अंगूठे से अच्छे से दबाते हुए इसे आप बंद करें कुछ इस तरह से। तो ये चारों ओर से मैंने इसे लेकर इकट्ठा किया आटे को, और यूं करके दबाते हुए बंद कर दिया है। तो ये ऐसे ये क्यूट सी दूसरी बाटी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। एक बड़े बर्तन में हमने पानी बॉयल करने रख देना है। तो ये पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है, इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड तेल का डाल रही हूँ, जिससे कि ये बाटी आपस में चिपके ना। और एक एक करके ये सारी बाटी हम इसमें डालते जाएंगे।
आप चाहे तो बाटी को हल्का सा यूं प्रेस करके, हल्की सी चपटी करके भी बाटी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी बाटी इसमें एक एक करके डाल देंगे और 10 मिनट के लिए कम से कम हमने इसे बॉईल करना है। बीच में आप इसे पलट भी लें और पलट के फिर से दोनों ओर से अच्छे से इसे पका लें, इससे आटा अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो ये देखिए बाटी अच्छे से उबल गई है, दोनों ओर से इसे मैंने पलट के अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसे एक एक करके प्लेट में बाहर निकालना शुरू कर देंगे और उसी गैस पर अब हम एक पैन रख रहे हैं और यहाँ पर मैं देसी घी डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। आप चाहे तो बाटी को मस्टर्ड ऑयल में भी तल सकते हैं, पर देसी घी में ये और अच्छी टेस्ट आता है इसका। और अब ये जो हमने बॉईल करके बाटी रखी हुई थी उसे हम इसमें डालते जाएंगे और दोनों ओर से अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये दाल एक कटोरी में डाल दे रही हूँ। तो ये दाल डाल दी है मैंने, दाल को एक साइड कर देते हैं। और ये जो आलू का हमने चोखा बना कर रखा है, यहाँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ। और ये जो दाल का चोखा बना कर रखा है उसे हम इस कटोरी में डाल देते हैं। और इसे भी मैं साइड रख देती हूँ। और ये जो हमने बाटी बनाकर रखी हुई है, ये क्रिस्पी सी, ये बाटी हम इसमें सजा लेते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर देसी घी रख रही हूँ मेल्ट किया हुआ। इस देसी घी के साथ जब हम इसे खाते हैं मिक्स करके, इन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो ये हमारी दाल बाटी चोखा वाली ऑथेंटिक सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है इसका। और आप इसे बनाएंगे तो आप बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे और बहुत ही टेस्ट इसका अलग लगेगा आपको। और कैसा लगा आपको इसका टेस्ट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।